जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यदि इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो महामना के इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके और आपकी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे क्लास 10th CBSE टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या इसमें पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में पाए जाते हैं या अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सैप्रो यानी पैरासाइट न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत यानी जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखें किसके थ्रू ये फूड न्यूट्रिशन अपना गेन करते हैं, तो पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, ये जो फूड मटेरियल्स होते हैं यानी जो कॉम्प्लेक्स फार्म में होते हैं, उस फूड न्यूट्रिशन को क्या करते हैं मतलब पूरी के पूरे स्वालो निगल करके फूड मटेरियल को खाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फार्म में जो फूड न्यूट्रिशन होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फार्म में कन्वर्ट करके उससे फूड न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और ये आफ्टर डाइजेशन इन फूड न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं इसको, कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से मिल जाता है। ठीक है, होलोजोइक फूड आप न्यूट्रिशन में देखेंगे तो इसमें मोस्टली जो आते हैं एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स लाइक अमीबा लायन, गोट, ह्यूमन बींग्स हॉर्स ETC, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, यानी एनिमल्स स्पेशली होलोजोइक न्यूट्रिशन में। जैसे अमीबा होता है, ये क्या करता है, कोई फूड न्यूट्रिशन देखा, सपोज करिए यहाँ पे कोई फूड न्यूट्रिशन है इसके खाने लगे, तो ये क्या करते हैं, अमीबा के आई स्ट्रक्चर कोई सेप फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और इसके साइड में एक क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, दो चीज़ें होती हैं। इसका जो स्यूडोपोडिया होता है, इंग्लिश में स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं, ये क्या करेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करेगा, इस पार्ट को यानी स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाएगा और इस स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाएगा। बढ़ाने के बाद ये पूरे फूड न्यूट्रिशन को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फार्म में है, इसको ब्रेक डाउन करेगा, यानी इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। छोटे पार्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये पूरी तरह से क्या होते हैं, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद ये पूरे साइटोप्लाज्म में इसके क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त ह्यूमन बींग्स में देखेंगे या जो एनिमल्स होते हैं, इसमें जो सॉलिड फॉर्म में फूड मटेरियल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको छोटे छोटे यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद वे क्या होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में जा कर के मिल जाते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद देखते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स होता है डिपेंड्स अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी पैरासाइट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना फूड मटेरियल्स खुद ना ही बनाते हैं, मतलब खुद फूड मटेरियल्स का फार्मेशन नहीं करते हैं, फूड न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी फूड न्यूट्रिशन के क्या होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, अब इनको देखा जाए तो जो पैरासाइट होते हैं यानी शरीर की सतह पर चिपक करके ये भोजन को प्राप्त करने का काम करते हैं, यानी उनसे भोजन गेन करते हैं। ठीक है, अब पैरासाइट को देखा जाए तो ये मोस्टली जो होते हैं टू टाइप होते हैं, टू या इसको थ्री टाइप कह सकते हैं। एक होता है इंडो पैरासाइट, या इसको कहेंगे एक्सोपैरासाइट, और दूसरा होता है इंडो
पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट मीन्स होता है ये बॉडी के सरफेस पे चिपक करके, यानी जो बॉडी होती है बॉडी के सरफेस पे चिपक करके अपना फूड मटेरियल्स गेन करते हैं, यानी ये एब्जॉर्ब करते हैं उनके सरफेस से। इसमें आप देखेंगे एक्सो पैरासाइट में जो होते हैं, इसको एक प्लांट होता है या अमरबेल नाम सुनेंगे, अमरबेल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं कस्कुटा, ठीक है। इसके अलावा लीच हो गए, लीच, ठीक है। इसके बाद लीच हो गए एस, लीच हो गए, और इसके अलावा जो होते हैं मॉस्किटो हो गए, मॉस्किटोज, ठीक है। अमरबेल यानी कस्कुटा, लीच, मॉस्किटो और लाइस, लाइस यानी जिसको हम जू के नाम से जानते हैं, ये एक्सो पैरासाइट होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे चिपक करके फूड मटेरियल्स को लेने का काम करते हैं। जैसे इसमें देखेंगे कस्कुटा है, कस्कुटा जो एक फंगस होता है, ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं, सपोज दैट कि ऐसे कोई ग्रीन प्लांट है और इसका जो ऊपर वाला ट्रंक वाला रीजन होता है इसका स्टेम है, ये क्या करेगा, जो ग्रीन प्लांट होते हैं इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जो स्टेम होते हैं स्टेम के अंदर क्या करते हैं, पेंट्रेट कर देते हैं और इसके पूरे अपने बॉडी को क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट के ऊपर फैला देते हैं, यानी फोटो न्यूट्रिशन के द्वारा, यानी फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के द्वारा, यानी जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस द्वारा जो फूड मटेरियल्स बनाएंगे उसके द्वारा बनाए गए फूड न्यूट्रिशन को ये क्या करते हैं, गेन करते हैं और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को प्रोसीड करने का काम करते हैं कैस्कुटा। इसके अलावा एनिमल लीच, लीच देखे होंगे जो हिरुडिनेरिया के नाम से जाना जाता है, हिरुडिनेरिया यानी ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल्स जो होते हैं या कैटल हमारे होते हैं, कैटल्स के बॉडी पे चिपक करके ये क्या करते हैं, उससे ब्लड सक करने का काम करते हैं, ब्लड सक करने के बाद ये अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक है, लीच हो गए। इसके अलावा मॉस्किटो, जो मॉस्किटो होते हैं इसमें भी दो होते हैं, जैसे एक मेल होता है और एक फीमेल। मेल में देखेंगे मेल शुद्ध शाकाहारी होते हैं, मतलब हर्बीवोर्स होते हैं, फूड न्यूट्रिशन के लिए, यानी मॉस्किटो जो होते हैं, मॉस्किटो में एक होता है मेल और दूसरा होते हैं फीमेल। मेल जो मेल होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स यानी इसको हम कह सकते हैं शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जस्ट लाइक आजकल के जो या कह सकते हैं जो बच्चे होते हैं या बॉयज होते हैं उनकी तरह होते हैं, शुद्ध शाकाहारी बेचारे होते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, मॉस्किटो का फीमेल, ये ब्लड ब्लड फीडर होती हैं, ब्लड फीडर मतलब खून की प्यासी होती हैं, जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे और उनके बॉडी से क्या करते हैं, ब्लड सक करके अपना फूड मटेरियल्स गेन कर लेती हैं, तो इन्हें कहा जाता है क्या, ब्लड फीडर्स, यानी ये जो होती है कार्निवोर्स के नाम से जाने जाती हैं, ठीक है। लाइस जू होते हैं जो हमारे हेयर्स में पाए जाते हैं, स्पेशली यदि आप अपने हेयर्स को प्रॉपर वे में इसको क्लीन नहीं करते हैं तो इसमें क्या आते हैं, लाइस आ जाते हैं, और आने के वजह से जो हमारी मसल्स होती है आउटर मसल्स होती है या उसी को ये क्या करते हैं एपिथीलियम, आउटर एपिथीलियम लेयर होती है, उससे ब्लड को सक करके अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करने का काम करती हैं। ये हो गया एक्सो पैरासाइट, ठीक है। अब आते हैं इंडो पैरासाइट क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट के इसमें इंडो पैरासाइट में आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में क्या करते हैं, रहते हैं, और इंटरनल पार्ट में रहने के साथ साथ इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल यानी जो हमारा आहार नाल होता है उसमें स्पेशली पाई जाती हैं और ये ब्लड को सक करके फूड न्यूट्रिशन गेन करने का काम
करते हैं। इसमें देखते हैं एस्कैरिस, एस्कैरिस यानी सामान्य भाषा में इसको हम कहते हैं पेट का केचुआ, ठीक है। ये हमारे इंडो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड को सक करके फूड न्यूट्रिशन गेन करने का काम करते हैं। एस्कैरिस के बाद आप देखेंगे आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम यानी एक प्रोटोजोअन्स होता है, ये ब्लड सक करके अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करता है और इसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या करता है, मलेरिया नामक डिजीज काज करने का काम करता है। प्लाज्मोडियम हो गया। इसके बाद आते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टो हिस्टो लिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हम लोगों में अमेबिक डिसेंट्री नामक डिजीज होती है। इसके अलावा अमीबा जिंजिवाइटिस, अमीबा जिंजिवाइटिस यानी अमीबा जिंजिवाइटिस के थ्रू हम लोगों में क्या होता है, पायरिया नामक डिजीज होती है, यानी ये इंडो पैरासाइट के रूप में होते हैं। इसके अतिरिक्त टेपवर्म, टेपवर्म या जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं, फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं, ये फ्लैट वर्म जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं और बॉडी में आ करके ये क्या करते हैं, ब्लड फीड करते हैं, ब्लड सक करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में क्या होते हैं, टीनिएसिस नामक डिजीज काज करते हैं, टीनिएसिस स्पेशली जो होते हैं पोर्क, पोर्क फ्लेश यानी जो सुअर का मांस होता है या जो कैटल्स या बीफ जो होते हैं उनको खाने वाले होते हैं, अगर अच्छे तरीके से पका करके नहीं खाते हैं तो उसके द्वारा जो जो पोर्क होता है यानी सुअर का मांस उसमें होता है टीनिया सोलियम, और जो बीफ होता है उसमें टीनिया सिलेजिनेटा होता है, और यह आ करके हमारे शरीर में क्या करते हैं, टीनिएसिस नामक डिजीज को काज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी भोजन को डायरेक्ट क्या करते हैं, निगल करके उनका डाइजेशन करते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट जो होते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे चिपक करके भोजन अपना गेन करते हैं यानी प्राप्त करते हैं। इसमें दो होते हैं, एक एक्सो पैरासाइट होता है और दूसरा होता है इंडो पैरासाइट। एक्सो शरीर के बाहर रह करके प्लांट और एनिमल्स में, और इंडो जो होता है प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर रह करके अपना भोजन गेन करने का काम करता है। और थर्ड आते हैं सैप्रोफाइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे सैप्रोफाइट, इसमें जो होते हैं जितने भी सैप्रोफाइट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे सैप्रोफाइट, ये जो होते हैं जो लिविंग लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जब ये डेड कर जाते हैं आफ्टर डिकेइंग, आफ्टर डिकेइंग जब प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, डेड कर जाते हैं, तो उनके बॉडी में जो एनर्जी होती है एक भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फार्मिंग होती है, कॉम्प्लेक्स फार्मिंग। अब इस कॉम्प्लेक्स एनर्जी को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं यानी ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट फार्म में, और अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करने का काम करते हैं यानी प्राप्त करने का काम करते हैं। ऐसे जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट या एनिमल, उनसे डायरेक्ट फूड न्यूट्रिशन को गेन नहीं करते हैं, यानी उनके मरने के बाद उनके बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फार्म में यानी जटिल अवस्था में एनर्जी होती है उसको सरल अवस्था में तोड़ करके उससे एनर्जी गेन करने का काम करते हैं। अब सैप्रोफाइट में देखते हैं कौन कौन आते हैं। इसमें स्पेशली जो आते हैं बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं फंगस जिसको हम कवक के नाम से जानते हैं, और कवक की एक स्पेशल वैरायटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट। ये जो होते हैं फंगस, बैक्टीरिया और ईस्ट,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब जो प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड कर जाते हैं उससे फूड न्यूट्रिशन गेन करने का काम करते हैं। अगर फंगस में भी देखें, फंगस की ही स्पेशल वेराइटी ईस्ट होती है। इसके अलावा आप फंगस में देखेंगे तो एक होता है एगैरिकस, एगैरिकस